अस्सलामुअलैकुम मास्टर कॉन्सेप्ट में आज फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्री को हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं और 10.1 बेसिकली सिंगल थीटा की एक्सरसाइज है और यहाँ पे हमने इसीलिए 10.1 के आगे सिंगल थीटा लिखा हुआ है। इस एक्सरसाइज को हम मैट्रिक क्लास में भी पढ़ चुके होते हैं और हमारे एग्जाम में ये ट्रिग्नोमेट्री का सेक्शन कहलाता है। पहले ये शॉर्ट में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता था फर्स्ट ईयर में, अब ये लॉन्ग के अंदर आ रहा है और बहुत से बच्चे या तो इस चैप्टर में बहुत ही बेहतरीन है या फिर इस चैप्टर में बहुत ज्यादा वीक है। तो बेसिकली हम इस एक्सरसाइज को आज से स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर भी और ये एक्सरसाइज भी, और आपकी खिदमत में कुछ अपने एक्सपीरियंस से 4 बातें आपको ऐसे बताएंगे जिससे ये एक्सरसाइज करने में मजा भी आएगा और आपको जो है कॉन्सेप्ट के साथ आप करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो इम्पोर्टेंट और वो क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। बहुत से क्वेश्चन तो मैट्रिक की तरह हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आपके मैट्रिक से हटके हैं, चेंज हैं, जरा मॉडर्न हैं, उनको हम इंशाल्लाह अपने 2 वीडियोस के अंदर आज हम आपको अच्छी बातें बताएंगे, साथ में एक आध क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और वीडियोस को ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे ताकि आप अच्छी तरह से देखें और ये देखेंगे तो आप आगे आपको पूरा चैप्टर नंबर 10 जो है अच्छी तरह से समझ आएगा, क्योंकि ये फॉर्मूलाज के ऊपर ये चैप्टर है और पूरी बुक में हमारे पास 240 फॉर्मूले हैं और तकरीबन 70% फॉर्मूलाज जो है वो ट्रिग्नोमेट्रीज के अंदर है। और मेरे नजर में ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए फॉर्मूले आने चाहिए। हम एक वीडियो तैयार कर रहे हैं जिसमें मैं अपना एक्सपीरियंस बताते हुए आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जिसकी बदौलत अगर आप अपने टीचर्स से या मुझसे सीखेंगे तो फायदा उठाएंगे। बेसिकली टीचर्स अच्छी बातें बताते हैं और अच्छे बच्चे उन बातों का फायदा उठाते हैं और इसी तरह दुनिया में लोग कामयाब हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम वो टिप्स आपको बताते हैं जो हमने यहाँ पे नोट कर ली है ताकि वीडियो हमारी बहुत बड़ी ना हो और आप इसे पूरी बराए मेहरबानी पूरी देखिएगा, क्योंकि सिर्फ स्टार्टिंग से आप अंदाजा नहीं कर सकते कि वीडियो में कितनी जान है, कितने अच्छे अंदाज से आपके सामने आ रही है। जब तक आप पूरा वीडियो अच्छे जहन से नहीं देखेंगे तो आगे भी आपको फायदा नहीं होगा। तो चलते हैं सबसे पहले वो टिप्स जो हमने अपने 30 ईयर्स के एक्सपीरियंस से कुछ सीखा है आपको सिखाते हैं। देखें इस क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे लिखा हुआ है और 9 की लेफ्ट और राइट 2 साइड है और थीटा हमने यहाँ पे इसलिए लिखा है कि ये सिंगल थीटा की एक्सरसाइज है, क्योंकि आगे की एक्सरसाइज 2 थीटा, हाफ थीटा, 3 थीटा, 4 थीटा, वो यानी कि 1 थीटा से ग्रेटर थीटा हो तो वो अगली एक्सरसाइज है, जो मैट्रिक में इसका कॉन्सेप्ट नहीं था। इस मैट्रिक में कॉन्सेप्ट सिर्फ इस पे था और हम लोग मैट्रिक में भी यही वीडियोस में यही बात बताएंगे जो यहाँ पे है, चाहे तो वो भी देख सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे जो हमारे पास 2 साइडें होती हैं, जब क्वेश्चन लिखा जाता है प्रूफ दैट, तो हमें लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट बनाना पड़ता है। तो हम आपको फॉर्मूले दिखा देते हैं पहले, तो आप लोगों ने फॉर्मूले देखनी है और आप स्क्रीनशॉट लेके इसे याद कर लीजिएगा। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते वक्त आपको वो 4 बातें बताते हैं जिसकी बदौलत आप इन क्वेश्चंस को अकल से करेंगे। देखें सबसे पहले ये बात याद रखेंगे, इस क्वेश्चन में 6 फंक्शन होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा। और अगर मैं इस तरह से बात कर रहा हूं तो ये मेरा अपना एक अंदाज है कि साइन थीटा और कॉस थीटा हमारे दोस्त हैं, बाकी सारे फंक्शन हमारे दुश्मन हैं। दुश्मन से बात नहीं करनी और साइन थीटा कॉस थीटा को हमने अच्छे तरीके से उनसे बातचीत करनी है, मतलब कि उनसे ही ये अपनी दोस्ती यारी बढ़ानी है और बाकी के फंक्शन से हमें बिल्कुल उनको बिल्कुल लाइक नहीं करना, ठीक है। जैसी नजर आए उन्हें आपको अपने क्वेश्चन से निकाल देना है। तो इसके लिए ये 4 टिप्स हम आपको सिंगल थीटा के हिसाब से बता रहे हैं जो सिर्फ 10.1 में यूज होगी। सबसे पहले ये कि नंबर 1 हम वो वाली साइड का इंतखाब करेंगे जहां पे टेन थीटा या फिर कॉट थीटा होगा। तो पहली टिप्स क्या है
कि हम सबसे पहला टिप और पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट जो सबसे अहम है कि हमने टेन थीटा या कॉट थीटा लेना है। वैसे हमारे दुश्मन सेक थीटा और कॉसेक थीटा भी है और उनको भी हम लिख सकते हैं, लेकिन बहरहाल आपको बता दिया, आप याद रख लीजिएगा। ज्यादातर टेन और कॉट को तो हमने हैं इस वाली साइड को लेंगे जहां टेन थीटा या फिर कॉट थीटा होंगे, और इनसे फिर हमें निपटना पड़ेगा। और अगर ऐसा ना हो तो फिर हमें वो वाली साइड लेनी है जहां ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया हुआ है उसमें काफी अच्छा ये आपको समझ आएगी बात। और पहले हम अपने पॉइंट्स बताते हैं, फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है कि हमें वो साइड लेनी है जहां टेन या कॉट थीटा होगा, और दूसरा जहां ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, और तीसरा कॉमन सेंस की बात है कि जो लार्ज साइड होगी वो लेंगे, ठीक है। यानी इन दो बातों का सिलसिला नहीं है तो फिर क्या होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जो बड़ी साइड होती है उसी से ही छोटी साइड आ सकती है। और नंबर फोर क्या, सेल्फ, यानी कि ऐसे क्वेश्चन मैट्रिक में भी दो क्वेश्चन थे, एक एग्जाम्पल में था और एक बुक का गालिबन क्वेश्चन नंबर 7 था। वो क्वेश्चन एग्जाम में आता भी बहुत था, उसमें कॉन्जुगेट लेके या रैशनलाइज करके या फिर हम साइन या कॉस को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके प्रूफ किया करते थे। काफी ज्यादा वो टेक्निकल और याद करने वाला क्वेश्चन था, बेसिकली बच्चों को प्रॉब्लम करता था। तो लिहाजा ऐसे भी क्वेश्चन है जिसके अंदर आप लेफ्ट ले लें या राइट ले लें, एक ही बात होती है। लिहाजा फिर याद रखें कि पहली हमने कौन सी साइड लेनी है, क्योंकि दो काम हो, एक मुश्किल एक आसान, तो हमें कैसे पता लगेगा आसान कौन सा है, जहां टेन कॉट हो, दूसरे नंबर पे जहां ऐड या सब्ट्रैक्ट हो, तीसरे नंबर पे लार्ज साइड, और अगर फैसला ना हो तो सेल्फ। तो आ जाते हैं अपने इस क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है, जो जबानी याद है उसके लिहाज से बता देता हूँ। 1992 में आया गालिबन, और उसके बाद 99 में आया है, फिर 2002 में आया है, और बहुत सारे सालों में ये बार बार आता है, बहुत ज्यादा आता है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे, बाकी आप लोग खुद भी देखिएगा। तो अब यहाँ पे हमें लेफ्ट लेनी है साइड के राइट लेनी है, क्योंकि बहुत से टीचर अगर 20 क्वेश्चन है तो देखा ये गया कि 17 क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और 3 में राइट हैंड साइड ले लेते हैं। उनसे वजह पूछी जाए तो या तो वजह बता देते हैं वो, वरना ये कह देते हैं कि आसान होता है, लेकिन ये इसकी वजह नहीं है। वजह ये है कि ये जो चार बातें कही हैं हमने इसकी बुनियाद पे काम करेंगे तो वहां से आसान होता है। अब देखें, नंबर वन क्या, टेन कॉर्ड वाली साइड लेनी है, तो आप इस दोनों साइडों के देखे तो कॉर्ड इधर भी है, टेन इधर भी है, और यानी कि इस साइड पे टेन भी नजर आ रहा है, कॉर्ड भी आ रहा है, राइट हैंड साइड पे हमें कॉर्ड भी नजर आ रहा है। अच्छा, ये नहीं होगा कि जहां टेन कॉर्ड ज्यादा है लेफ्ट में या राइट पे तो उनकी अहमियत है, भाई एक टेन हो या एक कॉर्ड हो, बात एक ही है। तो लिहाजा इधर भी टेन है और कॉर्ड है और इधर भी कॉर्ड है, तो पहला वोट तो दोनों साइड पड़ गया, ठीक है। तो अब सेकंड ये है कि जिस साइड पे ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा वो आपने साइड लेनी है। तो यहां तो भाई ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे ये ऐड हो रहे हैं, नीचे भी ऐड हो रहे हैं, तो सेकंड वोट इसको दो पड़ गया, इसको एक पड़ गया, तो कौन सी साइड लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड। याद रखें ये नॉर्मल बात नहीं है कि हमें ये नहीं होता हर क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड ले लो, ठीक है ना। हमें आसान साइड को सिलेक्ट करना है तो ये बातें जहन में रखनी पड़ेंगी, और लिहाजा लार्ज साइड उस सूरत में अगर फैसला ना होता सेल्फ, जब आप दोनों साइडों को ऊपर की तीनों पॉइंट से अलग हो, यानी कि नॉर्मली दिखने में एक जैसी दोनों साइडें नजर आएंगी। तो लिहाजा क्योंकि टीचर मैं भी जब पढ़ाया करता था कोचिंग सेंटर में, तो हमारे जो कोचिंग हुआ करते थे, तो मैं अक्सर आउटसाइडर स्टूडेंट्स आते थे तो अपने स्टूडेंट को तो मैं समझा देता था कि भाई हमने इस तरह से करना है, लेकिन आउटसाइडर क्या होता था कि जब मैं लेफ्ट को राइट पे और राइट को लेफ्ट पे लिखता था तो बच्चे लेफ्ट ही करते थे, और नतीजा क्या होता था कि वो कहते पता नहीं आज आंसर नहीं आ रहा। तो बुनियादी वजह क्या है कि बच्चे इन बातों पे गौर नहीं करते। तो लिहाजा अभी तो लेफ्ट लोग लेते हैं, हम भी लेफ्ट ले रहे हैं, लेकिन उसके बिहाफ पे, ठीक है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेके इसको सॉल्व करते हैं।
मतलब प्रूफ करते हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेंगे सबसे पहले, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, कॉट थीटा है, पूरा क्वेश्चन उतार देंगे इसके लेफ्ट हैंड साइड कॉसेक थीटा है। और याद रहे कि हमारे दोस्त साइन और कॉस हैं, बाकी सारे हमारे क्वेश्चन की हद तक दुश्मन है, ठीक है। तो यहाँ तीन दुश्मन तो हमें नजर आ रहे हैं, एक दुश्मन, दूसरा, तीसरा, और ये ही अकेला हमारा दोस्त है। अच्छा, एक बात आपको बतानी है जो इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी, वो ये बात बतानी है कि राइट हैंड साइड पे अगर, यानी कि अगर हम ये प्रूव कर रहे हैं इसमें साइन कॉस लिखा है तो वेरी गुड, क्योंकि इधर भी दोस्त है। लेकिन अगर साइन कॉस नहीं लिखा तो आप एक स्टेप रफ वर्क में आप इसे एक स्टेप सॉल्व कर लें, और सॉल्व करने से फिर आप देखिएगा कि आपको कितना फायदा होता है। और ये बात उस सूरत में जब यहाँ पे आपके पास साइन कॉस नजर ना आ रहे हो, तो आप इसका एक स्टेप रफ वर्क बना के एक स्टेप इसका आप फॉर्मूलो को याद करने के बाद, जैसे कॉसेक है तो ये हो जाएगा 1/sin θ, और इसी तरह कॉट थीटा है तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो लिहाजा ये हमने करने से देखिएगा हम पूरा क्वेश्चन अकल से करेंगे बजाय रटने के। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो ऐसा नहीं करता, या तो वो बहुत जहीन है या फिर वो फुल टाइम उसको प्रैक्टिस कर करके जहन में बिठा के बैठा है, क्योंकि ये हमें मिस गाइड करेगी साइड और ये हमें गाइड करेगी। जैसे क्वेश्चन चलेगा देखिएगा, अभी हमें इस साइड से ये लेके आना है। और याद रखे कि जैसे कि हमने एक बात की है दुश्मन, तो दुश्मन इस लिहाज से कि हम इस पूरे क्वेश्चन में कॉट कॉसेक टैन को हटाएंगे, और हटाते हुए इनके फॉर्मूले याद रखेंगे। अब जैसे कॉट थीटा है तो कॉट थीटा का फॉर्मूला हमें साइड पे लिखना होगा कि कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या है, सारे फॉर्मूले जो यूज हो रहे हैं याद करने के बाद लिखना है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और इसी तरह कॉसेक थीटा जो है हमारे पास किसके किसके इक्वल है, कॉसेक थीटा हमारे पास है इक्वल 1/sin θ। ये सारे फॉर्मूले हमने आपको बता भी दिए और याद भी करने हैं। और इसी तरह टेन थीटा का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा हमारे पास, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो जो जो फॉर्मूला यूज हो हमें साइड पे लिखना है इस तरह, ठीक है। तो अब फॉर्मूला जो हमने साइड पे लिखे हैं हमें यहाँ पे उन कॉट को हटा के अपने दोस्त लेके आने हैं, दोस्त हमारा है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसी तरह कॉसेक भी हम लाइक नहीं करते हैं, इसको हटाएंगे और इसकी जगह 1/sin θ लिखेंगे, जैसे कि हमने साइड पे फॉर्मूला लिखा है। और यहाँ अपॉन डाल के नीचे साइन थीटा को हमें कुछ भी नहीं कहना, ये तो हमारा दोस्त है, ठीक है। इसको कहना भाई ठीक है तुमने नहीं जाना, तुमने इधर ही रहना है। तो इसके बाद हमने क्या करना है कि टेन थीटा को भी यहां से आउट करना है। तो आउट करने का तरीका है यानी कि साइन टेन हटाना है और साइन लेके आना है, ठीक है। तो यहाँ पे टेन हटेगा तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अच्छा, अब क्या करना है कि हमें हमारा मैथ्स हमें ये कहता है कि नंबर अपॉन में हो तो फिर आप एलसीएम ले, ठीक है। कोई पड़ोसी या इधर से उधर से हमें नहीं कहेगा भाई यहाँ एलसीएम लो, ये मैथ्स में जब भी नंबर अपॉन में आते हैं हमें एलसीएम लेना होता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, ये भी साइन है ये भी साइन है तो साइन थीटा आ जाएगा, ओके। तो साइन थीटा आने के बाद ऊपर के नंबर बिल्कुल सेम टू सेम नीचे उतार दिए जाते हैं, ये कॉस थीटा है और प्लस के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, 1। अच्छा, नीचे जो है वो हमारे पास एलसीएम क्या आ रहा है, वो भी कॉस थीटा, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस थीटा आएगा, क्योंकि यहाँ 1 लिखा है, 1 को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा आएगा। कॉस से कॉस कैंसिल होने के बाद ऊपर साइन थीटा आ जाएगा, और इस जानेब क्या आएगा, क्योंकि अपॉन में ना लिखा हो तो मतलब अगर नहीं लिखा तो 1 होता है, और 1 से कॉस को लाने के लिए कॉस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, कॉस को फिर साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि हम इसको एक लेवल पे लेके आएंगे, तो ऊपर का न्यूमिनेटर तो वैसे ही रहता है यानी कि कॉस थीटा प्लस का 1 और अपॉन में साइन थीटा, और नीचे वाला जो है ऊपर जाके उलट हो जाता है। ये हमारे मैथ्स में ये रूल है जो कि हमें छोटी क्लासों में पढ़ाए जाते हैं। अच्छा, एक बात याद रहे कि हम इसे उल्टा भी कर रहे हैं और साथ में हम
कॉमन भी ले लेंगे यहां पे। देखो यहां पे कॉमन आ रहा है, यहां पे कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, यहां पे इन दोनों में से साइन कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है साइन थीटा। तो साइन थीटा कॉमन लेने के बाद क्या आ जाएगा कॉस थीटा और प्लस का वन आ रहा है। अब आप ये देखना है कि जैसे कि हमने आपको इसके बारे में बताया था कि एक स्टेप ड्रॉप में कर लें, अब देखें अगर हम यहां तक पहुंचे हैं तो लाजमी हमें थोड़ा सा जहनी सुकून चाहिए कि हम सही चल रहे हैं, हम बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। तो अगर हम इस साइड से पूछते हैं कि भाई आप बताओ कि हम सही चल रहे हैं, तो यहां तो कॉसेक लिखा है कॉर्ड लिखा है, यहां तो दूर दूर तक है ही नहीं, ना कॉसेक है ना कॉर्ड है, तो ये तो हमें मिसगाइड कर रहा है। फिर हम यहां जाते हैं कि भाई हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो कह रहे भाई ऊपर कॉस थीटा है, तो हम तो कहते हैं ऊपर बहुत कुछ है, लेकिन कहते हैं हाँ भाई कॉस थीटा मौजूद है हमारे पास, लेकिन एक और भी चीज है, लेकिन वो मना कर रहा है कि वहां नहीं होनी चाहिए। और फिर कह रहा है दो नीचे साइन है, तो हमने कहा एक साइन है और दूसरा भी साइन है, और कह रहा और कुछ नहीं चाहिए, तो हम सोचेंगे भाई ये चीज हमारे पास वहां नहीं है, ये चीज यहाँ पे नहीं है, और यहाँ वन लिखा है ये नहीं है, तो इसका मतलब है वो तो हमें गाइड कर रहा है, कह रहा काट डालो इसको, ठीक है ना, इसको कैंसिल कर दो, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे, और कैंसिल करने के बाद ब्रैकेट बना के कर दीजिएगा। फिर हमें उसने कहा कि ऐसा है, हमने कहा वेरी गुड थैंक यू, बिल्कुल वैसा है, वो तो मिस गाइड कर रहा है, इससे तो छोड़े अब क्या कहना है, मतलब वो सही कह रहा है, इसीलिए कहा कि एक स्टेप अगर करेंगे तो वो गाइड करेगा, नहीं करेंगे तो ये आपको मिस गाइड करेगा, ठीक है। आंसर फिर भी बच्चे ले आते हैं, लेकिन क्या है कि आसानी से हो जाती है, वहां पे हमें जहनी सुकून मिल रहा है कि हम सही चल रहे हैं, ये तो बिल्कुल ही ना पूछें क्या कर रहा है। अच्छा अब क्या है कि हम उस तरह से लिख देंगे इसको वन अपॉन, चूंकि ये कैंसिल हुआ तो वन आता है, नीचे साइन थीटा आ गया, ठीक है, और इसी तरह यहां पे कॉस थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आ गया। और अब एक फॉर्मूले जो ये लिखे हुए हैं दोबारा नहीं लिखने होते, अब वन अपॉन साइन थीटा किसके इक्वल है कॉसेक, और कॉसेक हमें लेके आना था तो कॉसेक थीटा आ गया, और इसी तरह ये कॉस अपॉन साइन हमारे पास क्या होता है, कॉस अपॉन साइन हमारे पास कॉट होता है, ये कॉट थीटा आ गया। तो लिहाजा इस तरीके से हमारा लेफ्ट से राइट आ चुका है, इसने तो हमें मिसगाइड किया, उसने हमें गाइड किया, तो ये बात पसंद आए तो आप बताइएगा हमें। तो लिहाजा इस तरीके से हमने राइट हैंड साइड निकाल दिए और ले आए हम, और आखिर में हम नीचे लिख देंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये चीज हमारी प्रूफ्ड हो गई, और प्रूफ्ड होने के बाद हमारा काम खत्म हो गया। तो भाई आज की इस वीडियो में हमने ये चार पॉइंट्स आपको बताने थे, ये चालाकी बतानी थी, और इसकी जो है वो समझ लें कि थोड़ी सी बदतमीजी भी बतानी थी, बस ये एक मजाक है, ऐसी बात नहीं है, ये टीचर का अंदाज होता है, लिहाजा ये आपको कैसा अंदाज लगा और किस तरह से आपको समझ में आया अपने मैसेज करें हमें, और औरों को भी बताएं, ताकि जो हालात आजकल चल रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे चैनल से फायदा उठाएं। हम लोग कोचिंग सेंटर्स में और मुख्तलिफ ट्यूशंस में भी ऐसे ही पढ़ाते हैं, बल्कि यूट्यूब पे तो हम कोशिश करते हैं कि लफ्जों की अदायगी बहुत बेहतर की जा सके, ताकि आपको समझ आ सके। इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज से जो बकिया क्वेश्चन है हम इसका पार्ट टू लेके आएंगे, सेकंड लेक्चर के अंदर आपको समझाएंगे, उस वक्त तक इजाजत दीजिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।